हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हो वाइट एक्स वेजेट। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं i7s TWS की। तो ये एक ईयरबड्स है, वायरलेस ईयरबड्स, आप लोगों ने सुना ही होगा i7s TWS। तो गाइस वीडियो में बने रहो, मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कैसा रहता है ये ईयरबड्स, इसका आवाज का साउंड का क्वालिटी कैसा रहेगा। तो वीडियो में बने रहो, अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर दो। तो गाइस आपको इसका प्राइस 400 रुपीज़ पड़ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, मैं दोनों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जिससे चाहे उससे परचेज़ कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो, खोलने के बाद हमें कुछ यहाँ पे कार्ड मिलता है। गाइस यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इसको रेटिंग करते हो 5 स्टार तो आप 500 तक के प्राइस जीत सकते हो, यानी 500 रुपया तक आप जीत सकते हो। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेट्स किया गया है इनके तरफ से, तो बस यही है। तो गाइस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अपने ईयरबड्स के, यहाँ पे लुक आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप बात करते हैं बॉक्स पे, तो यहाँ पे आपको बॉक्स पे लिखा हुआ मिल जाता है i7s TWS, और यहाँ पे उसका ईयरबड्स का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, सॉन्ग सुन सकते हो आप, यहाँ पे वही सब दिया हुआ। और यहाँ पे इसका कलर देख सकते हो, इस कलर सब में आ जाता है। और पीछे कुछ डिटेल विटेल दिए गए हैं इसमें। गाइस यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.40 GHz का, और यहाँ पे आपको चार्जिंग टाइम 1 से 2 आवर का, और यहाँ पे प्ले टाइम जो होता है सॉन्ग प्ले टाइम या फिर जितना देर आप उसको चला गए वो मिल जाएगा आपको 3 से 4 आवर का। अगर गाइस आप ईयरबड्स यूज़ नहीं करते हो, ऐसे चार्ज करके बस ऐसे रख देते हो, तो ये 100 आवर तक चल सकता है। और गाइस यहाँ पे आपको मतलब इसका दिया गया टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर 10 से 55 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा आपका ईयरबड्स। बस गाइस इससे ज़्यादा आपको कुछ खास इसमें फीचर नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा ईयरबड्स है, कुछ कंपनी वाला आपको नहीं देखने को मिलता है जो कुछ खास होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको टच सेंसिटिविटी भी नहीं मिलता है इसमें, बटन वाला आपको सिस्टम मिल जाएगा इसमें। तो बस देखते हैं, यहाँ पे हमारा वाइट कलर का ईयरबड्स है, यहाँ देख सकते हो आप बॉक्स में पन्नी में है रखा हुआ। अगर गाइस आपको Mavic F30 का अनबॉक्सिंग चाहिए, जो ईयरबड्स होता है Mavic F30 का आया है, तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देखना चाहते हो तो देख लेना। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है ईयरबड्स, और यहाँ पे देख सकते हो लॉक सिस्टम कुछ ऐसा है, उसका कवर लॉक होने वाला, कुछ मैग्नेट टाइप का कुछ नहीं लगा हुआ है। गाइस आजकल के ईयरबड्स में, कंपनी वाले ईयरबड्स में जो महंगे महंगे ईयरबड्स होते हैं उसमें आजकल अलग ही फंक्शन आता है। उसमें आता है कि आप मैग्नेटिंग टाइप का कुछ रहता है, वो पॉइंट सटता है एक दूसरे में और चार्ज होता है। बट गाइस यहाँ पे आपको वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे गाइस आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको पिन रहता है इसमें, आप इसे अंदर डालोगे अंदर तो पिन दोनों सेटिंग है, जैसे आप फ़ोन चार्ज में लगाते हो उसी टाइप का सेम इसमें दिया गया। गाइस देख सकते हो अंदर यहाँ पे पिन है, और इसके एक इसमें ईयरबड्स में पिन मिलता है, तो दोनों एक दूसरे में अटैच होता है, उसके बाद ये चार्जिंग उठा देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी गाइस आपको पीछे साइड मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, जो कि जहाँ से चार्ज होगा, चार्जिंग पिन मिलता है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं है पीछे। बाकी गाइस अभी ईयरबड्स को साइड में रखते हैं, मैं और फीचर बताऊँगा, पहले देख लेते हैं और डब्बे में हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैनुअल कार्ड में आपको देखने को मिलेगा, मैनुअल पेपर, जो कि आप पढ़ सकते हो उसे, और खैर पढ़ने का आजकल के ज़माने में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम साइड में रखते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल है, टाइप सी वेब सी नहीं है, आपको मिलता है। बट वो जो मैंने मीवी वाला मंगाया था उसमें टाइप सी था, समझ सकते हो, क्योंकि वो कंपनी है यार, और यहाँ पे ये 400 सस्ता चीज़। तो यहाँ पे आपको केबल देख लो आप, इसका एकदम पतला सा सुखड़ा सा, मतलब देख सकते हो क्या सस्ता सा दिख रहा है, देखने से लग रहा है क्या सस्ता वाला एकदम। आप इसका वायर देखो कितना पतला सा है, क्वालिटी बहुत ही भद्दा है गाइस, मैं बता देता हूँ। रियली में गाइस मैं तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये एक्चुअली में घटिया है, तो मैं घटिया ही बोलूँगा। गाइस इसका वायर क्वालिटी तो मुझे पसंद नहीं है, चार्जिंग केबल जो, बट यहाँ पे मुझे ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छा पसंद आया। अब यहाँ तक तो मुझे पसंद में आ गया, अब चार्जिंग भी उठा रहा देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चार्ज में लगा दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर से चार्ज हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर का बल्ब जो ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो अंदर आप इसे खोलोगे तो यहाँ पे रेड कलर पूरा जल रहा है दोनों ईयरबड्स के अंदर जो है पिन में, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से ये चार्ज होता है। और गाइस मेरे आवाज़ में कुछ फ़र्क आपको लग रहा होगा, तो कुछ मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ईयरबड्स में भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो बड्स होता है उसमें अलग से आपको लाइट मिलता है, एक ब्लू कलर और शायद रेड भी है, तो देख सकते हो कुछ अच्छा बहुत ही अच्छा लुक मिल जाता है आपको यहाँ पे सस्ते में, चीपेस्ट प्राइस में आपको अच्छा लुक मिल जाता है। बट अब गाइस बात करते हैं आवाज़ की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आवाज़ भी सुना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और गाइस यहाँ पे कॉल वॉल मैंने सब करके देख लिया, वो भी काफ़ी अच्छे से एकदम बात हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा गाइस। और बात करें इसके मतलब नॉइस कैंसिलेशन की, कुछ ज़्यादा नहीं है बट मीडियम है एकदम से, और काफ़ी अच्छा फिर भी है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और गाइस इसकी बैटरी बैकअप भी वो भी काफ़ी अच्छी है,
मतलब एक तरह से ईयरबड्स काफ़ी अच्छा मिल जाता, बस इसका वायर क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आया। और गाइस मैं आपको थोड़ा सा आवाज़ सुना के दिखा दूंगा ईयरबड्स चला के, मतलब ईयरबड्स में सॉन्ग कोई भी चला के आपको सुना दूंगा आवाज़, तो आप खैर यहाँ पे आपको सुन के तो उतना कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा कि क्या कैसा आवाज़ है। तो मैं आपको रियली में बता रहा हूँ आवाज़ ठीक ठाक है, मीडियम में, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, कुछ ज़्यादा लो भी नहीं है, मतलब बास कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, मीडियम है सब चीज़, और बाकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, बस बास में थोड़ा सा मीडियम है इसलिए। तो खैर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करो, और गाइस कमेंट्स नहीं करते आप लोग, कमेंट्स भी कर दिया करो यार, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, बाय। रुको रुको रुको, गाना सुन लो यार, मैंने बोला था आप लोग गाना सुन लाइक। Yeah.